हेलो गाइस, आई एम एस अली गोपांग टुडे वी आर हेयर टू डिस्कस अबाउट द इक्वलिटी ऑफ स्टेट्स यानी इंटरनेशनल लॉ में इक्वलिटी ऑफ स्टेट कैसे सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो इट्स माई रिक्वेस्ट प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माईर विडियोज लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक इक्वलिटी ऑफ द स्टेट्स द इक्विलिटी ऑफ स्टेट्स बिफोर इंटरनेशनल लॉ इज अ क्वालिटी ड्राइव फ्रॉम देयर इंटरनेशनल पर्सनैलिटी यानी इंटरनेशनल लॉ के आगे उसके नज़र में जो इक्वलिटी ऑफ स्टेट होती है वो इंटरनेशनल लॉ की पर्सनैलिटी से यानी कि डेवलप होती है कि आपकी कौन सी पर्सनैलिटी है कैसे पर्सनैलिटी है इंटरनेशनल लॉ में अब आपका क्वेश्चन उठेगा कि इंटरनेशनल लॉ पर्सनैलिटी क्या है इंटरनेशनल लॉ पर्सनैलिटी यानी कि आप एक रिकग्नाइज स्टेट होनी चाहिए यानी कि आपको दूसरी स्टेट इस्टेट state माने तभी आप कहलाएंगे कि आप इंटरनेशनल पर्सन हैं सो जैसे कि हमने पिछले बार जो में भी पढ़ा है पढ़ा था कि एक एक आर्टिफिशियल पर्सन तो स्टेट इज आल्सो हैज द इंटरनेशनल लॉ अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल डॉक्टर स्टेट आर इक्वल एज इंटरनेशनल इन स्पाइट ऑफ इनिटी इन देयर साइज पॉपुलेशन पावर डिग्री सिविलाइजेशन ई जो एक ट्रेडिशनल डॉक्टर है कि सब स्टेट्स बराबर हैं कोई भी स्टेट की इनिक्वलिटी नहीं है यानी कि बराबरी सब स्टेट्स आपस में बराबर हैं किसी के भी डिस्क्रप्शन नहीं है साइज पे पॉपुलेशन इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है इसकी छोटी है तो इनके इनमें डिफरेंस रखना चाहिए नहीं एवरी स्टेट इज़ इक्वल बिफोर द इंटरनेशनल लॉ दिस डॉक्टर राइन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई नेचुरलिस्ट राइटर्स और यह जो डॉक्टर राइन है वो नेचुरलिस्ट डॉक्टर राइटर्स के तरफ से दी गई है दिस डॉक्टोराइन इज़ आल्सो recognized इन द चार्टर ऑफ़ un article number आर्टिकल नंबर वन एंड आर्टिकल नंबर टू दोनों इस डॉक्टोराइन uh, को एक्सेप्ट करते हैं कौन से डॉक्टर एन के इक्वलिटी ऑफ स्टेट्स हैं जैसे कि मैंने बताए हैं फ़र्स्ट आर्टिकल और सेकंड आर्टिकल में फर्स्ट में भी उसको इक्वलिटी पर दे रहा है और सेकंड में भी इक्वलिटी ऑफ स्टेट्स दे रहा है ये एक यू UN के यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके आर्टिकल्स हैं उसका एक चार्टर है यू चार्टर जिसको हम कहते हैं उसके दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड आर्टिकल्स इसी को ही दिस डॉक्टर डॉक्टराइन को प्रेफर करते हैं कि स्टेट के बीच में इक्वलिटी है डॉक्टर ऑफ इक्वलिटी ऑफ़ स्टेट इज मोडिफाइड इन टू तो फोर कॉन्सिक्वेंस अब इस कॉन्सिक्वेंस को देखें कि इस इक्वलिटी ऑफ स्टेट से कैसे कॉन्सिक्वेंस नतज कौन से हैं नंबर वन एवरी स्टेट हैज़ राइट टू वोट अनलेस इट इज़ एग्रीड अदरवाइज टू वन वोट यानी सब स्टेट के पास एक वोट होता है कि वो आप वोट कर सकते हैं किसी भी इशू पर किसी भी चीज़ पर यहाँ पे एक इक्वलिटी आती है कि सब स्टेट्स के पास एक ही वोट होता है किसी भी स्टेट के पास दो या तीन वोट नहीं होते एवरी स्टेट इज अ वन वोट यानी इससे ये साबित होता है कि इक्वलिटी ऑफ स्टेट है इंटरनेशनल लॉ में नंबर सेकंड लीगली द वोट ऑफ वीकनेस्ट एंडॉलेस्ट एज मच एज वेट इज़ द वोट ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल अब देखा जाएगा कानूनी एक स्मॉल स्टेट है छोटी स्टेट है पावरलेस है उसके पास पावर नहीं है वो बड़ी स्टेट हो एक दूसरी और उसके पास पावरफुल है जैसे कि यू हुआ वो पावरफुल है और दूसरा है जैसे कि देखा जाए ओमान ओमान इज़ लेस पावरफुल मगर दोनों की वोट में एक ही बराबरी है तो यहाँ पे भी साबित हुआ कि एक इक्वलिटी ऑफ स्टेट्स है इंटरनेशनल में ये नहीं है कि यू एस पावरफुल है तो इसके एक वोट पाँच वोट के बराबर है और आपके पाँच वोट उसके एक ऐसे नहीं सब इक्वल हैं नो स्टेट कैन क्लेम द ज ओवर एन अदर कोई भी स्टेट दूसरी स्टेट के एरिया को जुरुस्डिक्शन को क्लेम नहीं कर सकती और नंबर फोर द कोर्ट ऑफ एनी वन स्टेट डज नॉट इंटरफियर इन टू द एक्ट ऑफ एन अदर स्टेट्स प्रोवाइडेड फॉलोइंग कंडीशन और फॉलोइंग कंडीशन में जैसे कि सच स्टेट्स कैन फाइन दफेक्ट इन द स्पेयर ऑफ द लेटर स्टेट्स ऑन जुरुस्डिक्शन नंबर टू बी है सच एक्ट्स ऑफ आर नाट दम कॉन्ट्ररी टू इंटरनेशनल लॉ यानी कि एक दूसरी स्टेट की स्टेट है एक उसकी कोर्ट है वो दूसरी स्टेट में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती क्योंकि वो उसकी जोरसडिक्शन नहीं है इसलिए तो इससे भी ये साबित होता है, हो है कि इंटरनेशनल लॉ में इक्वलिटी ऑफ स्टेट्स है मीन्स दैट इक्वलिटी ऑफ स्टेट इज प्रेजेंट एट द टाइम एंड फॉलोड बाई द इंटरनेशनल लॉ